नमस्कार बच्चों, आज हम पांचवा व्यंजन लिखना सीखेंगे ङ ङ। इसका इस्तेमाल आप बड़ी कक्षाओं में सीखोगे, जैसे रंग, गंगा, संगम, इन सब शब्दों में ङ की आवाज़ आती है, तो आज हम इसे लिखना सीखेंगे। दूसरी लाइन से बहुत छोटी सी सीधी रेखा बनाओ, फिर आधा गोला और उल्टा आधा गोला बनाओ, ऊपर लगा दो लेटी हुई रेखा और बीच वाली तीसरी रेखा पे एक बिंदु लगाएंगे। देखो ऐसे, एक बार फिर देखेंगे, छोटी सी सीधी रेखा, आधा गोला, उल्टा आधा गोला, ऊपर एक रेखा और एक बिंदु, छोटी रेखा, दो गोले और बिंदु, सीधी रेखा, उल्टा गोला, सीधा गोला और एक बिंदु, छोटी रेखा और दो आधे आधे गोले और बिंदु। ये हमारा बन गया आसान सा ङ ङ। और अब हम एक लाइन छोड़ के व्यंजन गीत गाते हुए सीक्वेंस में लिखेंगे। क केला तोड़ा माली ने, ख खीरा रखा थाली में, ग गमले में फूल उगाना, घ घड़ी सुनाए टिक टिक गाना, ङ को घ के बाद है आना। फिर से लिखेंगे। क केला तोड़ा माली ने, ख खीरा रखा थाली में, ग गमले में फूल उगाना, घ घड़ी सुनाए टिक टिक गाना, ङ को घ के बाद है आना। तो आज हमने अपनी पहली लाइन खत्म कर ली। धन्यवाद।